सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत शुक्रवार को मेराल सीएससी के चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों ने निक्षय मित्र बनाकर 100 टीबी प्रभावित मरीजों को गोद ले लिया। टीबी के मरीजों को गोद लेने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह पूर्व सीएस तथा जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार इत्यादि उपस्थित थे। मेराल तथा डंडई प्रखंड के विभिन्न गांव से आए टीबी मरीजों को सिविल सर्जन द्वारा बीमारी से बचाव तथा सरकार द्वारा इसके लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। सिविल सर्जन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2025 तक पूरे देश को टीबी से मुक्ति दिलाना है, और यह अभियान तभी सफल हो पाएगा जब आप जैसे टीबी से प्रभावित लोग इसमें सहयोग करेंगे। उन्होंने मेराल सीएससी के चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों द्वारा निक्षय मित्र बनकर टीबी प्रभावित मरीजों को गोद लेने के लिए प्रशंसा की तथा अन्य सक्षम लोगों से भी इस अभियान को सफल बनाने के लिए आगे आने का आग्रह किया। सिविल सर्जन ने कहा कि गोद लिए गए लोगों को सरकार से मिल रही सहायता के साथ साथ निक्षय मित्रों द्वारा चना, मूंगफली, गुड़, आलू, सरसों तेल इत्यादि दिया जा रहा है, ताकि शरीर का प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सके और बीमारी से शीघ्र मुक्ति मिल सके। जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश कुमार ने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए टीबी प्रभावितों का इलाज के साथ साथ उनके परिवार के लोग, खासकर बच्चे संक्रमित न हो इसके लिए भी कार्यक्रम तैयार किया गया है। परिवार के अन्य व्यक्तियों में संक्रमण न फैले इसके लिए उन्हें भी दवा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि गढ़वा जिले में टीबी प्रभावित मरीजों की कुल संख्या 1065 है, जिनके लिए विशेष अभियान चलाया गया है। गौरतलब है कि मेराल, बाना, फुलवार, चामा, डंडई, ओखरगाड़ा इत्यादि गांव में टीबी प्रभावितों की कुल संख्या 137 है, जिन्हें निक्षय मित्रों द्वारा गोद लिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह तथा डॉक्टर कमलेश कुमार ने कहा कि गढ़वा जिले में मेराल सीएससी टीबी मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने में सबसे आगे है। मेराल से विवेकानंद चौबे की रिपोर्ट। टीबी मरीजों के लिए क्या कहना चाहेंगे? टीबी मरीजों के लिए कहना है कि सावधानी से रहें, अपने नज़दीकियों से थोड़ी दूरी में अगर कैसे उनके बलगम में टीबी का कीड़ा आ रहा है तो उन्हें खांसते समय मास्क पहनना रहना चाहिए या कपड़े से को से मुंह को ढकना चाहिए। खसार वगैरह जो निकले उसका प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए, जिसका सबसे बेहतर तरीका होता है कि डब्बे में फिनाइल रखें घोल के, मतलब सोलूशन, और उसमें आप थूकें जहाँ तहाँ नहीं थूके। और अपने घर में जो छोटे बच्चे हों, जो सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं, उनकी क्षमता जो होती है रोग निरोधक, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, वो कम होती है, तो उनको दिलाएं। साथ में अगर छोटा बच्चा कोई घर में पैदा हो रहा है, नवजात शिशु है, और उसको टीबी से बचाव वाले या अन्य कोई टीके नहीं दिलवाए हैं, तो उसको दिलवाना चाहिए उनको पारिवारिक तौर पर। साथ ही समाज के लिए उनको सामाजिक थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। और यह जो गोद लिया गया है, यह निरंतर आगे जारी रहेगा या ये जो है, ये जब तक इनका इलाज चलेगा तब तक उनको प्रति माह सरकार की ओर से 500 रुपये और जो उनके मित्र बने निक्षय मित्र, इनकी ओर से जितनी सामग्री दी गई है हर महीने मिलेगी, और उतने दिन तक मिलेगी जितने दिन तक दवा मिलेगी। अब इसमें ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो 3 महीना दवा खा लिए होंगे, 3 ही महीना बच रहा तो उनको 3 महीना मिलेगा। कुछ ऐसे होंगे जो आज ही जाए पता चला होगा कि टीबी है, तो उनको 6 महीने दवा चलेगी तो 6 महीने तक मिलेगा। इसमें अलग अलग लोगों का मिलने के जो संख्या होगी वो अलग अलग हो सकती है। कौन कितना दिन पुराना पेशेंट है उसी पर डिपेंड, नया होगा 6 महीने। थैंक यू।